बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो जो तुमने कहा था कि आइंदा मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, उसका क्या? मैंने कहा है ना उषना कि मैंने गुस्से में बोल दिया था यार, आज के बाद तुम मुझे थप्पड़ लगा देना, लेकिन यूं मुझे छोड़ के मत जा। पीछे हो जा। आपने कभी अम्मी की कमी महसूस नहीं हुई क्या? आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अम्मी की तरह गले नहीं लगा सकते? देखो बेटा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं फारिस को अभी अभी यहां लाके खड़ा कर देती, लेकिन तुम्हें तो मालूम है वो कितना जिद्दी लड़का है। कैसी होती है बीवी, शोहर का मान तोड़कर अपनी मनमानी करती है, और कुछ नहीं तो उस मोहब्बत का इलाज कर लेती जो मैं उससे करता हूं। हेलो, क्या मैं अभी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अबू ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कह रहे थे ना मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। जानता था मैं कि वो यही करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें जाने से मना कर रहा था। दीदार की शादी थी ना, मैं कैसे नहीं जाती? उसने मुझे कहा था अगर मैं नहीं आऊंगी तो शादी से इनकार कर देगी। वो तो पागल है उषना, तुम उसकी बातों में क्यों आ गई? पागल नहीं है वो, उसने कुछ इमोशनल कर दिया। ऊपर क्यों नहीं आई तुम? तुमने जो मुझे कहा था कि तुमने ये दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। फॉर गॉड सेक उषना, फॉर गॉड सेक, गुस्से में बोला था मैंने, तुम उसे लिटिल सेंस में ही लेगी। I swear to God, I did not mean anything. वो जो तुमने कहा था कि आइंदा मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, उसका क्या? मैंने कहा है ना उषना कि मैंने गुस्से में बोल दिया था यार, आज के बाद तुम मुझे थप्पड़ लगा देना, लेकिन यूं मुझे छोड़ के मत जा। बेटा ये सब पहले करने की बात, शादी होने के बाद तुमने भी बिल्कुल टिपिकल मर्द बन जाने जिनको रोटी भी पूरी गोल चाहिए। नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरी बात ये है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मैं खुद ही बना लिया करूंगा, आपको सहमत नहीं दूंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा जी। हाँ, वैसे भी मैं शादी तुमसे इसलिए तो नहीं कर रहा ना कि तुम मुझे गोल रोटी बना के दो, बल्कि मैं शादी तुमसे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी विद यू, I love you. I want to spend my life with you, and I want to grow old with you. Well, in that case, I don't think I have any problem. Main kar sakti hu shaadi tumse. Gotcha. But stick to your words, okay? Yeah.
What was that? Oh my God, this is so hilarious. Oof, तुम्हारी वीकनेस आ चुकी है मेरे हाथ में. तुम बच के रहना. I can put it on social media. So behave yourself. Oh please, that's not. You gotta check this out. I pity our generation जो ये social media attention seekers में परवान चढ़ेगी. क्या बकवास थी यार ये. तुम बच के रहो बेटे. ये मैंने डाल दिया ना, तुम देखने कैसे वायरल होते. Let me just recover from the shock first. तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हें देखा, मुझे इतना प्यार आया, मैं सोचा तुम्हें प्यार से जगा. लेकिन मेरा दिल नहीं. It took me 5 minutes to figure out कि तुम्हें उठाना कैसे. And then I feel like this. फिलहाल तो मुझे तुमसे बहुत प्यार आ रहा है. I know, right? तो आप जरा रास्ते से हट जाएं, मैं फ्रेश हूँ. कर लो. कसम से क्या बकवास थी ये. सड़ो मत इतना ज़्यादा. जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी. मुझसे बढ़कर बदनसीब दुल्हन भी कौन होगी जिसकी जिंदगी के इतने अहम दिन पर एक भी खूनी रिश्ता उसके पास नहीं. और जो पास है भी वो इतने नाराज हो चुके हैं कि उन्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्लर जाने का टाइम हो गया, ड्राइवर इंतजार कर रहा है. आज तक आपने कभी अम्मी की कमी महसूस नहीं हुई? क्या आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अम्मी की तरह गले नहीं लगा सकती? देर हो रही है, जल्दी आ जाओ. आप बस मेरा एक काम कर दें, आप फारिस भाई को जाके ये मैसेज दे दें कि अगर आज मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन पे अगर वो नहीं आए ना तो मैं उन्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं. साथ नहीं तू कैसा है ये समझो. साथ नहीं तू कैसा है ये समझो. देखें आप रोना बंद करें, बार बार काजल फैल रहा है. कितनी बार ठीक करूं मैं? मुझे कॉल करनी है. आप वैसे इतना लेट हो गई हैं,
मुझे अपना मेकअप फिनिश करने दें पहले। देखिए मैम, सिर्फ एक कॉल करूंगी, उसके बाद आप कर लीजिएगा। गगन में चांद खिले मन का आंगन सोना रे। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, न थोड़ी देर जी तो लूं। क्या इतना अच्छा तो गा रहे हो? इसके साथ शूट नहीं कर रहा। पता है फारिस, शादी से पहले ना मैं सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करती थी। क्या मतलब? हम लोग बाकी बोरिंग कपल्स की तरह नहीं, बड़ा एक्साइटिंग होगा हमारा रिलेशनशिप। तुम ऐसे मेरे लिए गाने गाओगे और मैं शायद कर्टेसी में तुम्हें कॉफी दे दूंगी और फिर वी विल टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑल नाइट लॉन्ग। अच्छा, ये सब तो शादी से पहले ही इमेजिन करते। शादी होगी तो अब क्या इमेजिन करते? अभी जरूरत ही क्या, तुम सामने तो हो। तुम्हें पता है बने वाला लुक एट योर फेस में मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। ये सुबह आंखें, इस रेडिएंट स्माइल, फारिस, ये सब कुछ हमेशा ऐसे रहेगा, कभी बदलेगा तो नहीं है। तो ये सब कुछ तुम मेरे तरफ देख के भी तो कर सकते हो? कर सकती हो, but I don't know, whenever you talk to me like this, you just take me off. Let me embarrass you even more then. Also. Kaun hai? Harsha ki caller. Hello? Hello, Ushna. Kahan ho yaar tum log? Hum log barat lekar hall pahunch chuke hain. Harsha, I'm sorry, par mujhe nahi lagta ki hum log aa sakte. Kyun? Tumhe pata hai baba wahi honge. और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से फिर तुम्हारी शादी पे कोई तमाशा हो। रहने दो। नहीं, मैं नहीं जानता उसना, मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पर अगर मेरे दोस्त ही नहीं होंगे तो ऐसी खुशियों का क्या फायदा। अच्छा मेरे लिए ना सही, लेकिन मिनाल के लिए तो आ जा। उसकी तो दोस्त होना तुम तो, वो तो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रही है। अगर मैं आ सकती होती तो तुम्हें पता मैं बहाना नहीं करती, इतना तो जानते हो मेरे बारे में। Sorry, Ash. I don't think we'd be able to make it. Mushna, Mush. तो क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें मालूम है ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप एक बार कोशिश तो करें नानी। मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं है, सिर्फ एक सगा भाई, कम से कम वो तो मेरी शादी में शरीक होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं फारिस को अभी अभी यहाँ लाके खड़ा कर देती, लेकिन तुम्हें तो मालूम है वो कितना जिद्दी लड़का है। और वो जमा, उसने तो उष्णा को खड़े खड़े निकाल दिया था, वो फारिस को कहां आने देगा?
मामू तो गुस्से में ये भी भूल गए कि मुझे अपने सर पर उनका शफकत भरा हाथ चाहिए। भाई भाई की जिद उनका पीछा नहीं छोड़ रही। और अलमास मुमानी तो हर बात का मुझे कसूरवार ठहराती। उन्होंने तो मुझे एक बार भी प्यार से गले नहीं लगाया। आप बताना, अगर मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं मरी तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? ये ऑल फॉल नहीं नानी, ये ऑल फॉल नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। आप नहीं जानती, मैंने ये बहुत बार सोचा है कि काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ मर जाती। बेटा तुम तो क्यों ऐसी बातें कर रही हो? दुल्हन बनी हुई हो, बदशगुनी होती है। मेरी तो बेटे दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर। मैंने फारिस भाई को कॉल की थी लेकिन उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। नानी आप बस मेरा एक काम कर दें, आप फारिस भाई को जाके ये मैसेज दे दें कि अगर आज मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन पे अगर वो नहीं आए ना तो मैं उन्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। क्यों इतनी जज्बाती हो? संभालो अपने। नानी आपको मेरी कसम, आप बस उस भाई को मेरा ही मैसेज भेजो, अगर उन्हें रत्ती भर भी मुझसे मोहब्बत हुई तो वो जरूर आएंगे, जरूर आएगा। कोशिश करती हूँ मगर मुझे उम्मीद नहीं है। उष्णा, मुझसे क्या नाराजगी है भाई? क्या हुआ तुम्हें? जो सब कुछ भी हो रहा है ना, मुझे लगता है हमारी वजह से हो रहा है। ना हम एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं, ना ये सब कुछ होता है। ये तो देखो मेरी, शो मी योर फेस, व्हाट विद द लॉन्ग फेस। अभी इतनी तारीफ की है तुम्हारे चेहरे की मैंने, सड़ा हुआ चेहरा बना के बैठी हुई है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर ये चेहरा। मेरी एक बात सुनो, अगर ऐसे ही चेहरा बनाना है बता दूं, उसी शादी कर लो। मैं तुम्हें कहीं से भी मजाक के मूड में लग रही हूँ? तो मैं तुम्हें कहीं से भी मजाक करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? सही कह रहा हूँ मैं? अगर अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखना तो बता दो मुझे, कर लूंगा दूसरी शादी में। तो फिर तुम करके दिखाओ मुझे, फिर देखना तुम्हारा हश्र क्या करती है। गोली से मार देना मैंने तुम्हें भी और उसे भी। आ गई ना लाइन पर। फारिस, जब मैं सोचती हूँ ना कि जिसके मैं इतना करीब हूँ उसी की खुशियों में शरीक नहीं हो सकती, यानी मिनाल की शादी है और मैं नहीं जा सकती, इस बारे में मैं सोचती भी हूं ना तो मिनाल के अलावा तो मेरे पास अम्मा अब्बा की कोई और निशानी भी नहीं है। विष्णु दूर ग
पारस। सॉरी मैं गुस्सा नहीं हूँ। होना भी चाहिए, पहले वो तुम्हारी। दूर गगन में चांद खिले मन का। सबको लगता है कि मुझे मीनाल से कोई मोहब्बत, खुद मीनाल को भी यही लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काश मैं उसे अपना दिल खोल के दिखा सकता कि मैं कितना मजबूर हो गया था। माँ बाप थे नहीं जिन्होंने सहारा दिया, मैं उनके मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था कि मैंने खूनी रिश्तों और उनमें फर्क किया। तभी से मैं अम्मी का बेटा और रश्मा का भाई बनता चला। उसना मैं उनके एहसानों तले इतना दबा हूं कि मेरे अंदर सर उठाने की हिम्मत नहीं है। तो फारिस, उनके सामने सर उठाने के लिए तो कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मीनाल का कोई हक नहीं है तुम पर। उसकी शादी है, कम से कम उसकी रुखसती में तो शामिल होना चाहिए ना हमें। अगर रश्मा को पता चल गया कि मैं मीनाल की शादी पे गया, उसके दिल पे क्या गुजरेगा? वो बात सही है तुम्हारी, और अगर तुम मीनाल की शादी में शरीक ना हुए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, कभी तुमने सोचा? दादू आप भाई तो बहनों का मान होते हैं, और एक तुम हो कि बहन से ही खामखा की जिद लगा रखी है। नानिया मुझे ये बताएं कि अगर मैं मीनाल की शादी पे चला भी जाता हूँ तो क्या मामू वहां मेरी प्रेजेंस को बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे तुम्हारा प्रॉब्लम बाबा के साथ है, झगड़ा उनके साथ हुआ ना, मीनाल से तो कोई मसला नहीं। हम लोग हॉल तक जाते हैं, मीनाल से मिलेंगे, वापस आ जाएंगे, बाबा को फेस करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। बेटे मेरी बात मान लो, एक दफा जाके उसको अपनी शक्ल दिखा दो, ये वक्त लड़कियों के लिए बहुत जज्बाती होता है। उसके सर पे माँ बाप का साया तो है नहीं, तुम अगर चले जाओगे तो उसके दिल को सुकून आ जाएगा। जाओ बेटा, बड़े भाई बन के उसके सर पे हाथ रख, जाओ मेरा बच्चा। तो हम जा रहे हैं। आपके आने का फायदा हो गया। कौन सा सात समंदर पार जा रही हो ब्यागे? जिस तरह शक्ल बना रखी है, लोग बातें बनाएंगे, शक्ल ठीक करो। क्या
बहन, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर। वाकई कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब देखो ना, एक ही भाई और वो भी नजर नहीं आ रहा। उष्णा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे उष्णा के बारे में तो सुना था, उसकी तो रुख्सती कर देते। अरे ये कैसी रुख्सती के खानदान के किसी फर्द को बुलाने तक की जहमत नहीं की। हम क्या जाने बहन, जितनी में इतनी ही बातें सुनने को मिलती है। आप जरा रुख्सती तो हो जाने दो, फिर पूछते हैं अरमान से। हाँ क्यों ना पूछो, आखिर को वो तुम्हारी सती हाला की बेटी जो है। की बातें करते हो तुम? शादी की पहली रात कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़ के जाता है क्या? मम्मी छोड़े ना, बात हो गया हूं ना। तुम्हारे अब्बू बहुत खफा हो रहे थे, कितने तो फोन किए तुम्हें और तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। आज से ये घर तुम्हारा है मिनाल बेटा, उम्मीद है तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल? आप और आंटी तो मेरी बुजुर्ग हैं, बल्कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे डांट सकते हैं। अरे गलती करने के लिए वो नालायक होगा ना, और वैसे भी तुम्हें इस घर के अलावा उसे भी संभालना होगा। अगर तुम्हें उससे कोई भी शिकायत हो मुझे बताना फौरन, नालायक के ऐसे कान खींचूंगा, याद रखेगा। कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई, बल्कि मैं हॉल से देखता आ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला वो मुझे बता के गया, दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है, बस आने वाला ही होगा। देखो ये तो हाल है उसका, मतलब शादी की रात भी कोई दोस्तों के साथ जाता है भला? फोन करके बुलाओ उसे, फौरन वापस आए वो, बल्कि मैं खुद करता हूँ फोन। मनाल तुम थोड़ी देर सोना चाहो तो सो जाओ, थक गई होगी, वो आशिर भी बस आने वाला ही होगा। जी आंटी। सुनो आज से मुझे ये आंटी वांटी मत कहना, मैं अगर आशिर की माँ हूँ तो फिर तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम अगर मुझे अम्मी कहोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा मतलब है जी आंटी, और सिर्फ माँ कहना नहीं, समझना भी मुझे माँ। कोई भी तकलीफ हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे जरूर करना बात। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। लेकिन ये हकीकत है कि आशिर जुबान का थोड़ा तेज है, कुछ बातें ऐसी कह जाता है जिससे दिल दुख जाता है,
लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। बस तुम्हारा थोड़ा सा सब्र और समझदारी, यही दो चीजें जिससे तुम उसे अपना असीर बना सकती हो। जाओ कमरे में जाके आराम करो, थक गई होगी। आशिर बस आने वाला ही होगा, परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम लोग ज्यादा थक गई हो। ले जाओ इसे कमरे में, उठो उठो, संभाल के ले जाओ इसे। उठो उठो, फास्ट एक्टिव। ये कहाँ गायब हो गया है? डेढ़ बज रहा है रात का, फोन भी नहीं उठा रहा। वो मुनीप को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, बस आता ही होगा अभी। नहीं, नवीली दुल्हन को वक्त देने से ज्यादा जरूरी है कि दोस्त को छोड़ जाए। कब अकल आएगी इसे? लुका पट्टा कहाँ रे क्या आशिर, फोन क्यों नहीं उठा रहा? मिनाल क्या कॉल कर रही है? हेलो हेलो मिनाल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस वक्त तुम्हें अपने नए नवेले दूल्हे के साथ बातें करनी चाहिए, तो मुझे कॉल कर रही है। नए नवेले दूल्हा से तुम्हें तब बात करूंगी ना जब वो कमरे में आएंगे। क्या मतलब है? हाशिर अभी तक कमरे में नहीं आया क्या? जी नहीं, मुझे अभी सैयद आंटी ने बताया हाशिर अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने एयरपोर्ट गए। अच्छा तुम ये मुझे ही बताओ, मेरी रुखसती के बाद सब रो रहे थे ना? क्यों, तुम क्या चाहती थी कि सब रोएं तुम्हारे गम में? हाँ भाई, अपनी वर्थ पता चलती है। मुझे भी तो पता चले कि लोग मुझे कितना मिस करेंगे। और फारिस भाई को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। किस लिए? उन्होंने मेरा मान रख लिया इसलिए। पागल लड़की, भाई है वो तुम्हारा, फर्ज बनता है उसका कि ये सब कुछ करे तुम्हारे। और वैसे भी अब मैं उसे वक्तन फवक्तन एहसास दिलाती रहूंगी कि वो तुम्हारा भाई है और बहुत सारे फराइज हैं उसे जो कि उसको पूरे करने चाहिए। अच्छा बस बस, अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। फारिस भाई ने मेरी रुखसती पर आके मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों की मुझे समझ भी नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर इतना खुश हो जाते हो और फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ने भी लगते हो। सादा और मासूम से लोग हैं हम, इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? और सुनो, मेरे भाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर तुमने उनसे जरा सा भी झगड़ा किया ना तो मैं देख लूंगी तुम्हें। अच्छा मोहतरमा, अब आपको ज्यादा मेरी नन बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बनना ही है तो आपको अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हाशिर आने वाला है, तो मैं जा रही हूं। बाय। ओके बाय। जान निकाल दी। मुझे भूख लगी है, जल्दी करो खाना दो मुझे। मीनार की कॉल आ गई थी, मैं उसके चक्कर में लग गई। क्या दूं मैं? ऊपर जा रहा हूँ। ला रही हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। मैं इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मैं बता कर तो गया था कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ मुनीप को छोड़ने। कितनी अनोखी बातें करते हो तुम। शादी की पहली रात कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को इस तरह अकेला छोड़ के जाता है क्या? मैं छोड़े ना, बात हो गया हूँ ना। तुम्हारे अबू बहुत खफा हो रहे थे, कितने तो फोन किए तुम्हें और तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। वो तो हमेशा ही खफा रहते हैं, उनकी कौन परवाह करे। क्या क्या कह रहे हो? अब नहीं कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अच्छा सुनो, वो मिनाल की मुंह दिखाई का तोहफा मैंने ना तुम्हारे रूम में रख दिया है, उसे दे देना। मम्मी आपने खुद क्यों नहीं दिया? बिल्कुल ही बुद्धू हो तुम। दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई का तोहफा देता है, सास नहीं देती। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, मैं भी लेकर आया हूँ कुछ तोहफा, लेकर आया था भूल गया मैं। ये तुम तोहफा लाए हो? ये देखें,
ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ख्याल है, मीनाल को पसंद आएगा? क्यों नहीं पसंद आएगा, मेरे बेटे की पसंद इतनी लाजवाब है, पसंद तो जरूर आएगा। वैसे मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें इन बातों की कोई समझ नहीं, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकले। मैं आप खामखा अंडरएस्टिमेट करती हैं अपने बेटे। अच्छा जाओ, मलाल इंतजार कर रही है। तुम्हारा तोहफा देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर खुशियां दे। अच्छा तुम भी आराम करो। जी एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।